दोस्तों आज के दौर में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की वजह से क्यूआर कोड का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। दोस्तों क्यूआर कोड को स्कैन करके हम किसी को पेमेंट कर देते हैं। इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ने के साथ ही इससे जुड़े खतरे भी बढ़ने लगे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SBI ने अपने यूजर्स को अलर्ट किया है कि कभी भी कोई अगर आपसे क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहता है और कहता है कि आपको पेमेंट मिलेगा, तो आपको पेमेंट पाने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना चाहिए। दोस्तों क्यूआर कोड हमेशा जो है स्कैन कर पेमेंट दिया जाता है, पेमेंट लिया नहीं जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप भी क्यूआर कोड का स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखकर क्यूआर कोड का यूज करना चाहिए। दोस्तों इन दिनों अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं या किसी दुकान पर जाते हैं या दूध के शॉप पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक क्यूआर कोड लगा हुआ दिख जाएगा, जहां पर आपको दुकानदार बोलता है कि इसको स्कैन कर हमारा पेमेंट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल इतना तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये कॉन्टैक्टलेस होता है, साथ ही में जो है क्विक रिस्पॉन्स होता है, मतलब तुरंत जो है हमको इसको स्कैन करना पड़ता है और पेमेंट हो जाती है, और साथ ही में हमको जो है पैसे लेकर चलने की झंझट से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों क्यूआर कोड का इस्तेमाल इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका यूज करके जो है कुछ ठग जो है लोगों को ठगने का भी तरीका निकाल लिए हैं। तो दोस्तों आपको जो है इसके ठगी से कैसे बचना है वो आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यूजर्स को अलर्ट किया है कि अगर आप क्यूआर कोड का स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ठग जो है क्यूआर कोड का जो है यूज करके लोगों के पैसे को जो है ठग ले रहे हैं। इसका यूज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक स्टैटिक इमेज होता है, इसको तो हैक किया नहीं जा सकता, लेकिन जो ठग रहते हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारा क्यूआर कोड रहता है उसको रिप्लेस कर अपना क्यूआर कोड लगा देते हैं, और जिसे हम उसको स्कैन कर पेमेंट करते हैं वो पेमेंट उसके पास न जाकर किसी और के पास पहुंच जाता है, मतलब उस ठग के पास चला जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कभी भी अगर आपको कोई भी पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहे तो आपको क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना चाहिए, और अगर आपने गलती से क्यूआर कोड को स्कैन कर भी लिया है तो वहां पर आपको अपना यूपीआई पिन नहीं डालना चाहिए, और यूपीआई पिन नहीं डालते हैं तब तक पेमेंट आपका नहीं होगा। तो दोस्तों क्यूआर कोड एक स्टैटिक इमेज होता है जिसको कि हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन ठग इसको रिप्लेस कर आपके साथ जो है धोखा कर सकते हैं और आपके सामने जो है अपना क्यूआर कोड लगाकर उसको स्कैन करवाकर जो है पेमेंट आपको देने के बजाय खुद ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, और अगर आप गलती से ऐसा कर भी लेते हैं तो आपका जो यूपीआई पिन रहता है वो वहां पर इंटर नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि पैसे प्राप्त करने के लिए जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वहां पर आपको यूपीआई पिन दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा जो है आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो उसका जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे वहां पर आपको अपना यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको लगे कि कोई जो है ठग जो है आपके साथ ठगी कर रहा है तो वहां पर यूपीआई पिन डालने से पहले आपको पूरा जांच परख अच्छे से कर लेना चाहिए, तभी यूपीआई पिन आपको डालकर पेमेंट करना चाहिए, और पैसे लेने के लिए कभी भी आपसे यूपीआई पिन नहीं मांगा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यदि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम, SBI पे जैसे ऐप का यूज करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से जो है क्यूआर कोड को स्कैन कर सकें, वहां पर अपना यूपीआई पिन डालें, उसके बाद जो है पेमेंट करें। क्यूआर कोड का मतलब होता है दोस्तों क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये एक सिंपल सा कोड होता है जो कि डिजिटल डिवाइस के द्वारा जो है स्कैन कर इसके अंदर के डेटा को जो है देखा जा सकता है। दोस्तों क्यूआर कोड देखने में सिंपल होता है, लेकिन अपने अंदर बहुत सारा डेटा जो है ये समेटे रहता है। तो आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके पेमेंट कीजिए, और इन सभी बातों का ध्यान में रखकर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पैसे का जो है लेन देन करने में सावधानी बरतिए। तो दोस्तों क्यूआर कोड का यूज करके पेमेंट करना जितना आसान है उतना जो है इसका ठग यूज कर रहे हैं ठगी करने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।